उसे पता था मतलब उसे जो लड़की थी माया उसने कहीं पर भी ढूंढने की ट्राई भी नहीं की थी पर भी पर फिर भी उसने बोला कि मैंने वहां पे देख लिया वहां पे नहीं है माई बुक इज तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन वो अगेन पूछ रही है उसकी चीज मिल नहीं रही है सो दिस टाइम हर बुक इज नॉट दै सो शी आस्क अगेन टू हर मॉम

तो वो सारी चीज ऐसी थी कि ये लिटिल गर्ल को स्ट्रेस देने के लिए सिर्फ काफी थी इट्स इनफ टू गिव लिटिल गर्ल स्ट्रेस आस्क्ड मा कैन यू गेट मी अ स्नेक क्या तुम मुझे स्नेक अब दे सकती हो क्या शाउटेड माया तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो छोटी सी गर्ल का नाम ही है माया और हमारी पोइट्री का नाम भी है माया मेम सा तो यहाँ पे वो जो है माया द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज देंट्रल कैरेक्टर द मेन कैरेक्टर शाउटेड माया उसने चिल्लाते हुए बोला कि क्या तुम मुझे दे सकती हो क्या मेरा स्नेक वाई लाइंग ऑन हेड अपने बेड में सोते सोते उसने अपनी मम्मा को शाउट करके बोला कैन यू प्लीज गेट मी अ स्नेक कैन यू कम एंड टेक इट उसकी मम्मी ने क्या बोला कि आकर तुम ले जा नहीं सकती क्या बट आई एम इन बैड विथ अ बुक इन हैंड पर मैं क्या कर रही हूँ अभी क्या बोल रही है माया जो ये बीच वाला सेंटेंस है लाइक कैन यू कम वाला can you come and take it तो वैसे जो सेंटेंस है वो उसकी माँ बोल रही है तो फिर उसके आंसर में क्या बोलती है माया बट आई एम इन मैं बेड में, में हूँ और मेरे हाथ में तो क्या है बुक है कैन यू आल्सो गेट मी वाटर टू किप माय बेड स्टैन क्या उसके साथ आप मेरे लिए पानी भी ला सकती हो माया You are making my life tough, shouted Ma. This is enough. You now need to pick yourself up. Child, you must learn to help yourself. Obviously, you know, we don't have an F. So, here, she was asking to her mother. Right? So, of course, it happens that we should not ask our mother to give the snakes and water in the room we have to go to kitchen and there we have to take our breakfast snake lunch whatever we are taking in a day so here maya's mother was now very angry a kind of angry and then what did she say she said yeah you are making my life tough to so my life tough उसकी ने शाउट करते हुए बोला अब ये इनफ होता जा रहा है यू 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 आर 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 मी थिंग नॉट डूइंग तुम तो सिर्फ बेड बैठ ही रहती हो कुछ करती नहीं हो अपना रूम भी अच्छा नहीं करती हो दैट इज वेरी बैड थिंग हमें अपना काम खुद से करना चाहिए यू नो यू नाउ नीड टू पिक योर सेल्फ अप अब तुम्हें खुद को आगे बढ़ाना चाहिए मतलब कि खुद का वक्त खुद करना चाहिए चाइल्ड यू मस्ट लर्न टू हेल्प योरसे खुद को हेल्प करना तुम्हें सीखना चाहिए यू नो वी डोंट हैव एन हमें क्या करना चाहिए तुम अब बड़ी हो रही हो अब तुम्हें अपना काम ठीक से खुद से करना चाहिए अ ट्वेल्व ओल्ड गर्ल एक्टिंग लाइक सेवन शी वॉज एक्चुअली ट्वेल्वर्स ओल्ड she was not just little girl but she was acting like she was just savage shouted be able to fetch and search and make her room habit should be able sorry should be able to fetch she was able to fetch and search her room habit matlab ki वो ऐसा बिहेव कर रही थी और वो कर भी सकती थी कि अपना खुद का काम खुद से कर भी सकती थी I I I I will, will, will. said she. Her her voice 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 small, her eyes big. promise not to be a pig. ऐसा पूरा room mess नहीं करूंगी खुद का काम खुद करूंगी ऐसा गंदी नहीं रहूंगी मैं that. But can I just से वन थिंग मोर क्या मैं एक चीज ज्यादा बोल सकती हूँ प्लीज फैशमी माई ड्रेस बाई दाई गॉड अगेन शी आस्क हर मदर टू फैश तो कैसा वो कर रही है माया मेम साहब मतलब की अपनी माँ को कुछ हेल्प नहीं कर रहे बिना वो सिर्फ अपने रूम में बेड में बैठी रहती है और सब ऑर्डर करती है अपनी माँ को दट इज नॉट गुड थिंग तो मैं वैसा करना भी नहीं चाहिए पर ऐसा शी वॉज नॉट मच मैच्योर दैट्स वाई शी वॉज द थिंग्स चाइल्डिश थिंग एक्चुअली शी वॉज she was एबल टू डू ऑल थिंग्स by हर own बट शी was नॉट डूइंग शी was ऑर्डरिंग हर मदर सो अगेन एट द एंड ऑफ द poem शी अगेन asked पहले उसने बोला कि नो मम्मा मैं खुद से साफ कर दूंगी अपना रूम मैं अपना काम खुद से करूंगी पर मैं क्या एक चीज बोल सकती हूँ मेरे रूम में क्या मेरा ड्रेस आप रख सकते हो मेरे डु... मेरे रूम में से मेरा ड्रेस निकाल सकते हो तो अगेन अच्छी अच्छी बातें तो बोल दी कि नो मैं कर दूंगी कर दूंगी पर उसे जब फॉलो करना है तो उसने वो किया नहीं तो फिर क्या किया उसने फिर से अपनी मम्मा को ऑर्डर किया तो इट वॉज वेरी अच्छी स्टोरी थी ये पोयम में अच्छी स्टोरी थी वी कैन से सो हु पोएट राधिका चंद्रा इज द पोएट ऑफ दिस पोयम राइट सो द वेरी गुड पोयम इज वी मस्ट लर्न फ्रॉम दिस पोयम दैट वी शुड

यहाँ पे फाइव है यहाँ पे भी फाइव है और यहाँ पे कितनी है सिक्स लाइन्स है ओके okay, तो फाइव इंटू टू टेन टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन देन हियर हाउ मेनी लाइन्स आर देर सो हियर वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सो हियर फाइव फाइव के कितने स्टांस है टोटल लाइन हुई हमारी ट्वेंटी सिक्स और टोटल स्टांजा हुए हमारे फाइव स्टांजा ओके सो हियर अवर दिस पोएम इज कंप्लीटेड सो लेट्स मूव विथ नेक्स्ट टॉपिक so students here we have the features of the poem so let's see so read the poem the one the one who brought me down to earth and held me every day the one who gracefully gave me birth and said i love you in every way the one who taught me everything like how to crawl and walk the one who taught me how to sing after learning how to talk so it's very good poem so you can say ki ye poem mein kiske bare mein baat ki gayi hai mother right very good correct answer is the mother right so the one matlab ki wo kaun मम्मा की बात मम्मा के बारे में यहाँ पे बात की गई है द वन हु ब्रॉट मी डाउन टू अर्थ एंड हैल्ड मी एवरी डे दन ग्रेसफुल गिव मी बर्थ तो ममाई हमें बर्थ देती है तो so, यहाँ पे मदर के बारे में बात की गई है ओके सो हूज द पोएट क्रिस्टल आर एडम पोएट सो अलाइन इज द स्मोलेस्ट यूनिट ऑफ द पोएम तो यहाँ पे पोएम के बारे में एलाबोरेट करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं सो अलाइन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पोएम फर्स्ट लाइन द वन हु ब्रॉट मी डाउन टू अर्थ द लाइन तो वो जो लाइन होती है तो वो पोयम का सबसे छोटा यूनिट होता है सबसे छोटा पार्ट होता है सो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लाइन इन दिस पोयम हमने तो आइडेंटिफाई कर ली है पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था सो अगेन यू काउंट ओके सो हियर आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लाइन्स

तो ये स्टांजा में कितनी लाइंस है और ये स्टांजा में कितने लाइंस ओके सो टोटल नंबर ऑफ दिस लाइंस आर अवर टोटल लाइंस और ये दोनों के बीच में जो जगह हमें दिखाई देती है तो वो इंडिकेट करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टांजा है और ये पर्टिकुलर स्टांजा है सो इन दिस पोयम वी हैव टू स्टांजा एंड फोर लाइन्स फॉर ईच नाउ लेट्स मूव विथ राइम स्कीम ओके तो ये पी डी एफ में जो अभी हमने स्टार्ट किया वो सब आपको लिखना है क्या क्या लिखना है मैं आपको बता रही हूं अभी सो स्टार्ट फ्रॉम दिस फीचर्स ऑफ अ पोएम मैं राउंड करूंगी वही आपको लिखना है फीचर्स ऑफ अ पोएम द फर्स्ट थिंग देन दिस सेकेंड थिंग ये भी आपको लिखना है एक्चुअली ये पूरा लिखो ये पूरा ओके okay? ये टाइटल देना लाइक like फर्स्ट ये है हमारी डेफिनेशन और ये है हमारा एग्जाम्पल ओके okay? देन नीचे वैसे भी लिखना कि ये पोएम में एट लाइन्स है दिस पोएम हैज एट लाइन्स देन स्टांजा तो ये पूरा लिखना है ओके देन राइम स्कीम ये भी पूरी लिखना है आपको ओके okay? तो व्हाट इज दिस राइम स्कीम राइम राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग सा पहले देखते हैं कि राइमिंग वर्ड्स क्या है तो राइमिंग वर्ड्स आर दैट दैट ऑफ वर्ड्स हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड ओके सेम और सिमिलर एंडिंग एंडिंग साउंड। तो यहाँ से दिखते हैं हमारे पास अर्थ एंड डे दे आर नॉट सिमिलर बट अर्थ बर्थ सो दिस टू वर्ड्स दे हैव द सिमिलर साउंड अर्थ बर्थ दैन डे वे So, they are our rhyming words. Earth, birth, that is first pair, and the second pair, day, dash, way. So, they are our rhyming words. So, to add a musical effect to poems, poets arrange the rhyming words in a pattern. So, that is called rhyme skip. So, now let's move with rhyme skip. तो जो सेम साउंड है उसे सेम अल्फाबेट देंगे राइम स्कीम को हम लोग अल्फाबेट से डिनोट करेंगे असाइन द सेम लेटर टू राइमिंग वर्ड्स एंड राइट इट नेक्स्ट टू ईच लाइन ऑफ द पोएम ओके सो द अर्थ एंड बर्थ दे हैव द सिमिलर एंडिंग साउंड देखो मीनिंग नहीं सेम एंडिंग साउंड है अर्थ एंड बर्थ तो यहाँ पे हमने ए ए दिया है फर्स्ट लाइन ए से स्टार्ट करेंगे और ये भी सेम साउंड है तो जितने जितने सेम साउंड है उसे सेम लेटर देंगे सो ए ए देन डे है तो उसे बी दिया अगेन वे है तो वो डे से सिमिलर एंडिंग साउंड है तो उसे भी हम लोग बी देंगे सो राइम स्कीम हुई हमारी कौन सी हुई ए बी ए बी सो आइडेंटिफाई द राइम स्कीम ऑफ द सेकंड स्टैंजा आपको सेकंड स्टैंजा के राइम स्कीम आइडेंटिफाई करनी है देन वो हुई हमारी एवरीथिंग एंड सिंग तो वो हुआ हमारा सी सी वॉक टॉक तो हुआ हमारा सीडी सीडी लाइन वाइज लिखेंगे ओके okay? तो क्या हुई ये पोयम की राइम स्कीम सो दिस पोयम कंटेन्स एबीए बी सी डी सी डी राइम स्कीम यहां पर आप लोग देख भी सकते हो सो द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज एबीएबी सी डी सी डी ओके तो ये पोएम है ये पोएम में हमें राइम स्कीम फाइंड आउट करनी है कप क्रीम हमें कौन से वर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करना है लास्ट वर्ड राइट लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन तो कप क्रीम करेज डे लीव एंड फ्रेंड तो उसमें से आपको राइमिंग वर्ड्स पहले फाइंड आउट करने हैं तो so, कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स है कप होगा हमारा ए अगर राइमिंग वर्ड्स कहते हैं तो हम लोग करेंगे क्रीम लीव डे फ्रेंड तो वो हुआ वो भी नहीं होगा करेज और डे फ्रेंड डे तो सिर्फ एक ही होगा क्रीम लीव ओके सो द नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं चलो फाइंड आउट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके द नंबर ऑफ लाइंस इन दिस दिसम सिक्स इन दिस पोएम द नंबर ऑफ स्टांजा जस्ट वन स्टांजा दर इज नॉट एनी स्पेस बिटवीन एनी लाइन द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट टू स्टांजा ऑफ द पोएम ओके तो पहले स्टांजा तो यहाँ पे लाइन नहीं की गई है पर हम लोग कह सकते हैं कि कितने स्टांजा है यहाँ दो स्टांजा सो द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट टू स्टांजा ऑफ द पोयम दैट इज ए ए बी सी सी डी डी ई एफ एफ ओके तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ही रीड नहीं किया माया मेम साहब की बात की जो हमने पहले देख ली है उसकी बात की है तो वो लाइन में ट्वेंटी सिक्स थी स्टांजा कितने थे फाइव स्टांजा थे और उसकी राइम स्किम क्या थी ए ए बी सी क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में आती है स्टांजा फिफ्थ स्टांजा में सिक्स लाइन्स फिफ्थ फाइव लाइन नहीं है सिक्स लाइन्स है इसलिए यहाँ पे राइम स्कीम अलग अलग हो गई है ए ए बी सी सी डी डी ई एफ फॉलोज इन दिस पोइम ओके आपको होमवर्क में तो जो मैंने बीच में बोला है वो सब लिखना है और ये एन ऑट टू कॉफी तो इसके सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिसक द नंबर ऑफ लाइन इन दिस पोएम ये पोएम में कितनी लाइन है वो आपको फाइंड आउट करनी है हमने पहले ही देख लिया था पर रीड द पोएम माया मेम साहब वाला नहीं पर रीड द पोएम एंड ऑर टू कॉफी एंड देन गिव द आंसर ऑफ दिस थ्री क्वेश्चन ओके तो ये भी आपको फाइंड आउट करके लिखना है सो लेट्स नेक्स्ट टॉपिक सो स्टूडेंट्स हियर वी हैव द सब्जेक्ट ऑफ अ पोएम हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम सो द सब्जेक्ट ऑफ ए पोएम इज दईडिया और उसका जो आइडिया और यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है पोएम का द वन हु ब्रॉट मी डाउन टू अर्थ एंड हैल मी एवरी डे दन ग्रेसफुली गेव मी बर्थ एंड सेव यू इन एवरी वे तो ये जो पूरी पोएम हमने पहले देखी थी तो यहां पे देखते हैं लाइट सी द थ्री स्टेप्स टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ द पोयम यूजिंग दिस पोयम ओके तो कौन कौन से थ्री स्टेप्स वी हैव टू फॉलो सो द स्टेप नंबर वन इज टू रीडम बाई कैटेप अगेन यू रीड दिस पोयम फॉर अ वाइल केयरफुली देन सेकेंड स्टेप इज

ये अकॉर्डिंग टू दिस की हम लोग खुद से पूछेंगे कि ये पोयम किसके बारे में है सो दर इज अ अड ऑफ इम्पेसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वन पर्सन हु गिव मी बर्थ टू द स्पीकर एंड ऑल दैट शी हैज डन फॉर तो ये किसके बारे में है सो इम्पोर्टेंस जिसने हमें बर्थ दिया है इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंस लिखा गया है तो उसके बारे में ही होगा सो द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम इज द स्पीकर मदर तो यहाँ पे पोएम या फिर पोएट uh, या फिर स्पीकर कह सकते हैं द वन पर्सन हु गेव बर्थ हु मी बर्थ तो यहाँ पे स्पीकर मतलब जो बोल रहा है उसकी मदर का इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन किया गया है राइट right? तो सब्जेक्ट क्या हुआ स्पीकर मदर तो वो हुआ हमारा यहां का सब्जेक्ट ऑफ द पोएम तो यहां पे क्या करेंगे फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द पोएटल एंड बुक ऑफ की आपको अपनी नोटबुक में ये भी लिखना है सब्जेक्ट ऑफ द पोएम हाउ द स्टेप्स टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ एनी पोएम सो फॉलो दिस थ्री स्टेप्स ओके then okay so the subject important thing is that the subject of a poem is not always the title jo title hota hai wahi har bar poem ka subject nahi ho sakta hai इसलिए we have to go through the three steps of the poem okay so यहाँ पे question four जो है आपका fourth worksheet का वो हमें करना है सो द सब्जेक्ट ऑफ द पोए माया कन्वर्जेशन बिटवीन माया वाज नॉट डूइंग हर थिंग बाय हर ओन शी वाज आस्किंग शी वाज ऑर्डरिंग हर मदर ओनली सो दैट वाज द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम मायास केयरलेस एटीट्यूड So students here we are going to end up our today's lecture if you find any difficulty regarding this you are free to ask me and whatever the